इस समय ट्रायल चल रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम में एशियन चैंपियनशिप के और ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के और साथ ही एक वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट के, जिसमें सुपर हैवी वेट वर्ग का मुकाबला चल रहा है सुमित वर्सेस सतेंद्र। और मेरे साथ कमेंट्री टीम में वंदना चौधरी। सुमित काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है, इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। और सतेंद्र भी काफ़ी अच्छे पहलवान हैं, जो इसमें जीतेगा ट्रायल में, फाइनल ट्रायल चल रही है, वो एशियन चैम्पियनशिप में इंडिया का प्रतिनिधित्व करेगा और वो चैम्पियनशिप इसी स्टेडियम में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में ही होने जा रही है। जी हाँ, फरवरी में होगी वो प्रतियोगिता और इंदिरा गांधी स्टेडियम में उसका आयोजन होगा। पहले ये कटक में आयोजन होना था, फिलहाल मुकाबला अर्जुन पुरस्कार विजेता सुमित पहलवान के साथ सतेंद्र का। एशियन चैंपियनशिप हुई थी जो वंदना जी 2019 में, उसके कांस्य पदक विजेता हैं सुमित। जी हाँ, सुमित का काफ़ी लास्ट ईयर जो देखें, लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा उसने परफॉर्म करा है, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लिया है, उन्हें अर्जुन अवार्ड भी दे चुके हैं और अभी राष्ट्रीय चैंपियन भी कई बार के हमारे रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी उम्मीद है। एशियन चैंपियनशिप में भी अभी देखते हैं कौन करेगा, एशियन चैंपियनशिप में भी प्रतिनिधित्व करेगा और सेकंड जो इसमें जीतेगा ओलंपिक जो क्वालिफाइंग राउंड होंगे उसमें भी भारत के लिए वही प्रतिनिधित्व करेगा जो इस बाउट को जीतेगा। देखते हैं सतेंद्र का आज दिन है या सुमित का दिन है। यानी तीन प्रतियोगिताओं के लिए आपका रास्ता क्लियर हो जाएगा इस बाउट को जीतने के बाद। ये फाइनल मुकाबला है सुपर हैवी वेट वर्ग का और यहाँ एक चेतावनी। और सतेंद्र को मिला एक्टिविटी टाइम, 30 सेकंड में उन्हें अंक बटोरना होगा, यदि वो अंक नहीं बटोर पाए तो उनके अपोनेंट को मिलेगा अंक। कुश्ती ना लड़ने के कारण सतेंद्र को पैसिविटी दिया गया है, अगर सतेंद्र 30 सेकंड में अपना पॉइंट नहीं लेते तो इसका फ़ायदा सुमित को होगा, सुमित को एक पॉइंट दे। देखते हैं, अभी 6 सेकंड बाकी हैं, सतेंद्र ने अभी कोई भी पॉइंट अंकित नहीं करा है, देखते हैं। अब सुमित को एक पॉइंट दिया जा रहा है, रेड कॉस्ट्यूम में सुमित है, उन्हें एक पॉइंट का इजाफा। कुश्ती चल रही है 1-0 पे। जी हाँ, निष्क्रियता के लिए कोई जगह नहीं है कुश्तियों में, जहाँ थोड़े से निष्क्रिय हुए वहाँ पर आपको एक्टिविटी टाइम होगा, जिसमें आपको 30 सेकंड में अंक बटोरना होगा, यदि आप अंक तब भी नहीं बटोर पाते तो अपोनेंट को मिलता है अंक, और वही अंक मिला सुमित को। सुमित जो लाल पोशाक में है और एक लंबा अनुभव है उनके पास, वंदना जी ये मानना होगा कि सुमित को निश्चित तौर पर अपनी ऊंची कदकाठी और वजन का भी लाभ है। बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि इनके हाइट अगर हम सतेंद्र के मुकाबले देखें तो सुमित काफ़ी लंबे लग रहे हैं और उनके वेट भी काफ़ी सतेंद्र के मुकाबले हैवी है और उन्हें कुछ अनुभव भी काफ़ी है उनका, लास्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। और ये दूसरा राउंड शुरू हुआ सुमित वर्सेस सतेंद्र। कुश्ती का मुकाबला बड़ा जबरदस्त है, कुश्ती में अभी 1-0 का स्कोर है, सुमित का एक है, सतेंद्र अभी अपना खाता खोलने में नाकामयाब रहे हैं। सेकंड जी क्या कहेंगे आप, जब एक ही अखाड़े के दोनों पहलवान हो, एक ही जगह प्रैक्टिस करते हो, तो दोनों एक दूसरे की खूबियों से पूरी तरह से वाकिफ होते हैं। देखिए, दोनों खूबियों से और दोनों कमियों से अच्छी तरह परिचित होते हैं, सबको पता है इसकी क्या खूबी और क्या कमी है, तो इसलिए मुकाबला काफी कड़ा हो जाता है। जोशी जी, और रेफरी लगातार एक्शन के लिए चेताते हुए, चेतावनी देते हुए, स्कोर 1-0। दूसरा राउंड चल रहा है इंदिरा गांधी स्टेडियम में, चल रहे हैं ये ट्रायल और इस बार एक्टिविटी टाइम सुमित को। सुमित ने एक्शन किया और कंट्रोल किया, 2 पॉइंट सुमित ने कवर करें। अब मुकाबला है 3-0 पे, सुमित के 3 पॉइंट, सतेंद्र के 0 पॉइंट। अच्छा लगता है देखने में कि जब आप पर एक्टिविटी टाइम यानी खतरे के बादल मंडरा रहे हो, ऐसे समय में आप यदि 2 अंक बटोर करते हैं। अटैक करा सुमित ने, जब उन्हें एक्टिविटी टाइम दिया गया था, अगर वो पॉइंट नहीं लेते तो उसका सतेंद्र को फायदा हो जाता, लेकिन उन्होंने उस टाइम एक्शन करा और 2 पॉइंट कवर करे।
मुकाबला चलता हुआ 3-0 पे। बाएं पैंतरे से लड़ रहे हैं इस समय सुमित और दाएं पैंतरे से सतेंद्र। एक लंबा अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है सुमित के पास और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इन्हें स्वर्णिम सफलता हासिल हुई थी, अर्जुन पुरस्कार विजेता। और फिलहाल 3-0 से आगे, 1:10 बाकी इस मुकाबले के समाप्त होने में। सतेंद्र को इस वक्त क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए वंदना? सतेंद्र क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे? सुमित ने अटैक करा है और 4 पॉइंट स्कोर करे हैं, 4 पॉइंट स्कोर है अब 7-0 का। सतेंद्र ने बहुत अच्छा लैग अटैक करा और 4 पॉइंट अंकित करे अपने में। जी हाँ, नियमानुसार यदि आप ऊपर से गिराते हैं और वो भी डेंजर पोजीशन में गिराते हैं, डायरेक्ट डेंजर पोजीशन में, तो उस पर आपको मिलते हैं सीधे 4 अंक। उसका उन्होंने लाभ उठाया और 7-0 की बढ़त। मुकाबले में कुछ है या सतेंद्र के लिए अभी भी कुछ स्कोप है? देखिए, कुश्ती में कहते हैं जब तक टाइम है, मतलब जब तक सांस है तब तक आस है। अभी 40 सेकंड का टाइम है तो उम्मीद तो हम कर सकते हैं, लेकिन सुमित का काफ़ी एक तरफा स्कोर है, 4-0 का स्कोर है और अभी भी 7-0 का स्कोर है अभी भी। और सुमित अटैकिंग पे है और 1 पॉइंट और सुमित ने अंक मिला, इजाफा किया अपने अंकों में, 8-0 का स्कोर है। देखते हैं, सुमित ने काफी रणनीति में अपना बदलाव किया। आमतौर पर देखा जाता था कि वो पहले धकेलते थे अपोनेंट को, लेकिन यहाँ लगातार तकनीक लगा रहे हैं। और यदि कोई सुपर हैवी वेट वर्ग में 4 रन की तकनीक लगाता है तो देखना वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। सर, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर हम हैवी वेट में मुश्किल जो होता है धक्का मुक्की का खेल ज्यादा होता है। एक और अंक लिया है सुमित ने, अब स्कोर हो जाता है 9-0 में और आखिरी 7 सेकंड है। अब अगर माना जाए तो एक तरफा मुकाबला है, सुमित जीत ही चुके हैं लगभग, लेकिन अभी 3 से घोषणा होनी बाकी है और ये टाइम समाप्त। और सुमित ने ये मुकाबला जीत लिया है, अपना एशियाई खेलों का टिकट और क्वालिफाइंग खेलों के लिए अपना टिकट कटा लिया है। जी हाँ, एशियन चैंपियनशिप के लिए, रैंकिंग टूर्नामेंट के लिए और ओलंपिक क्वालिफाइंग के लिए।